तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू दिस हाउस दैट वी आर इन। ये फिजा उठते ही उसने यहाँ पे वेलकम वाली मूवी लगा ली है नीचे आके, तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ फुल देसी माहौल है इसमें। मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताया था, तो ये इंडियन मूवीज की सारी लिस्ट पड़ी हुई थी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत समा हुआ है हर जगह पे। ये वही वाले मेन सिगार लाउंज में जिसको हमने कल बताया था। फिलहाल हमारा नाश्ते का प्लान है, तो क्या बनाया तुमने अभी? पैनकेक्स बनाए अपने लिए? मुझे तो यार वही कल वाले ही दे दो चिकन। आई मीन यार, एक तो कोयले की बू हर जगह समा गई हम लोगों में, बालों में, कपड़ों में, वो सब छोड़ो मेरे कैमरे में समा गई है बू, उसके अंदर भी। अब इसको मैं कैसे धोऊंगा? देसी कोयलों का मसला ये होता है कि वो उसकी ना बू बड़ी गंदी समा जाती है हर चीज में। लेकिन यार ये चेक करो कितना खूबसूरत लग रहा है, बंदा आराम से फिरे चल मार के। एक्चुअली आपको ले ही जाता हूँ भाई। चलो जी, मौसम भी आजकल ना वैसे बड़ा अच्छा हुआ है, यहाँ पे भी बाहर बैठने का बड़ा मजा है यार। हम तो आके बाहर बैठेंगे अभी। कल हम वहाँ पे थे, वहाँ पे सामने बैठे हुए थे वो चिल्ला काटने वाली जगह, वो तो मैंने आपको कल भी दिखाई थी व्लॉग में। देखो ये जो गजीबो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। ये जो है ना एयरबीएनबी, आप बुक कर सकते हो वेडिंग्स वगैरह कराने के लिए भी या कुछ भी। तो यहाँ पे बंदा आराम से शादी शुदी भी करा सकता है, और शादी नहीं करानी तो यहाँ पे वैसे ही बंदा बैठ के चिलिंग कर सकता है। लाइफ के आपके दुख हैं तो आप $1,500 दे के यहाँ पे आके अपने दुख सुख शेयर कर सकते हो किसी के साथ, अकेले बैठ सकते हैं। जो भूख है ना वो फुल हैवी किस्म की लग रही है इस वक्त। चाय शाय थोड़ी पीते हैं, चुस्त वगैरह होते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू विद गोइंग फॉरवर्ड एंड आई विल शो यू अराउंड। सीधा ही प्रोटीन खा रहा हूँ उठते ही, और थोड़ी सी ये जो कॉर्न ब्रेड होगी ना भाई, हम नहीं खाते पैनकेक वैनकेक जब तक उसमें प्रोटीन ना हो ना। और चाय भी हमारी गर्मा गर्म रेडी हो गई है। हाय 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 हाय, नाश्ता रेडी है अभी ओवन से गर्म होके है ना माइक्रोवेव से। सही इसमें तिक्को खुशबू आ रही है मजे की, लेकिन सुबह सुबह खा रहा हो भी अजीब बात है। साथ ही इधर काम भी चल रहा है। नाश्ता अपना खत्म करने हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सिंगल्स कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है जो भी हमने नहीं देखे थे रात की वजह से, लेकिन अभी हैं हम देख सकते हैं। कोई एक कैबिन है, इसको चेकआउट करते हैं जरा। अंदर कुछ खास लग तो नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं है। ये क्या बड़ा गर्म सा एरिया है, थिंक ये उनके लिए परिंदों के लिए बर्ड हाउस है। उसके बाद ये भी एक साइड पे घर बना हुआ था छोटा सा, इसको चेक करते हैं जाके इसके अंदर क्या होगा। ओ ओ जिम है यार जो मैंने दिखाई नहीं कल। ओ पूल की टेबल सामने लगी हुई है, वाह जी वाह। ये तो चल ही नहीं रही, पीछे कौन आ गया? बड़ा डरावना सा जिम है यार। यहाँ पे भी आप देखो रेस्ट रूम लगा हुआ, मसाज चेयर लगी हुई है, ये पूल की टेबल लगी हुई है, यहाँ पे डार्ट की गेम लगी हुई है। आई थिंक ये कोई ओन करते थे लोग, टेक्सास के प्रॉपर लोग थे। छोटा फ्रिज रखा हुआ है, गेयर बार की जगह, स्नूकर खेलो यहाँ पे। और ये वो रही हमारी जो मैंशन है, और ये झूलों वाला एरिया बच्चों का, ये भी नहीं मैंने आपको कल दिखाया। सारा एरिया इनका अपना है, बहुत आगे तक जाता है, शूटिंग रेंज भी थी। आई थिंक चिकन का फार्म है, आई थिंक फार्म हाउस था किसी बंदे का ना। ये देखो ना फ्रेश फार्म चिकन रखा हुआ है यहाँ पे, ये मुर्गी का कुकड़ को भी बना हुआ है, कुकड़ अंदर सारे जाते होंगे। बाद में फिर आपसे शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। लेटर दैट सेम इवनिंग, हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ही है कि हम घर पे वापस आ गए हैं। और एक बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग कमेंट, नहीं बहुत ही चवल कमेंट था लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। किसी ने कहा आप ना सारा टाइम व्लॉगिंग अप करते रहते हो, रोज ही व्लॉग लगा रहे हो, उधर उधर जा रहे हो, कभी वाइफ को भी टाइम दे दिया करो। जब नहीं लगाता था तब भी मसला है, अब लगा रहा हूँ तब भी मसला है। अब हर व्लॉग में मेरे साथ फिजा होती है, कुछ लोग उससे भी मसला होता है। एक काम करता है, मैं ना गन लगा के ना यूं अपने आप को कंट्रोल। मेरा ओपिनियन है ना, तुझे इसको टाइम ही नहीं देना चाहिए था इस क्वेश्चन को। बात तो सही है तेरी। It's not about this question. उससे ये साबित होता है कि you cannot make anyone happy in this world. मैं बुरे काम करूंगा तो वो किसी को अच्छे लगेंगे, मैं अच्छे काम करूंगा तो वो किसी न किसी को बुरे लगेंगे। उसका बेस्ट हल ये है, डू वट यू फील इज राइट। जब तक वो करते रहोगे किसी न किसी की हेल्प होती रहेगी, आपके कॉन्टेंट से एंटरटेनमेंट मिलती रहेगी, तब तक काम यू नो बिंदास है, फर्स्ट क्लास। एक क्वेश्चन वैसे और था क्यों में से बड़ा इंटरेस्टिंग यू नो, और वली भाई बड़े फिलोसॉफिकल है, तो वली भाई से मैं पूछूंगा हाउ टू differentiate between a good person or bad person. ये किसी ने कहा था, ठीक है, between a good person and a bad person.
एक अच्छा लिटमस टेस्ट ये है कि वो बंदा अपने से कमजोर लोगों को कैसे ट्रीट करता है। इवन के कमजोर चाहे इंसान भी हो या जानवर भी हो, आप उसके बारे में देखना कि बेजुबान जानवरों को कैसे ट्रीट करता है और अपने से कमजोर लोगों को कैसे ट्रीट करता है। अपने से जो बड़ा होता है उसके तो सब चुक लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपने से छोटे को कैसे ट्रीट कर रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं जो कहूंगा ना वो ये है कि उस बंदे को अपने सबसे हैप्पीएस्ट टाइम में देखो और उस बंदे को अपने सबसे सैडेस्ट टाइम में देखो किस तरह रिएक्शन देता है आपको। गिवन की यू आर वेरी क्लोज टू हिम, इफ यू आर वेरी क्लोज टू हर एंड हिम, उसको हैप्पीएस्ट टाइम में देखो कि तुम्हें इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस तरह तुम्हारे साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसके सैडेस्ट मोमेंट पे उसे देखो। क्योंकि जब इमोशंस मैक्स आउट होती है ना ऑन एनी लेवल, देन यू कैन सी द ट्रू कलर्स ऑफ समवॉट ऑफ अ ट्रू कलर्स ऑफ अ पर्सन। दूसरा क्या कहते हैं, फिजा बना रही है इस वक्त क्लब सैंडविच, तो क्लब सैंडविच अभी आपको चेक कराते हैं। वैसे मैं सोचो एक कुकिंग चैलेंज तो होना चाहिए तेरे और फिजा के बीच में, यू नो दोनों सोर्ड पकड़ के खड़े हो जाओ। ओके, कुकिंग चैलेंज के लिए वो किचन चाहिए होता है, वो बड़ा यू नो, तो मामू का घर कर लेंगे। मामू के साथ करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मामू एक तरफ हो जाए, लेकिन मामू को कौन सी खाना बनाना आता? अच्छा कढ़ाई बना लेते हैं, चल वो कढ़ाई बना लेते, तू कुछ और बना ले, मैं और फिजा जज बन जाते हैं अनबायस्ड। फिजा क्योंकि यू नो मामू से रिलेटेड है, मैं बोली भाई से रिलेटेड हूँ, ठीक है, तो उसमें अनबायस्ड कंपटीशन हो जाएगा। चलो गुड है, ये वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन अगर वो कढ़ाई बनाएंगे तो मैं क्या बनाऊंगा? फेवरेट चीज तो वही है। दोनों अपनी फेवरेट चीज ना बनाओ ना, दोनों पर ऐसी चीज बनाओ अलग से हटके, कोई विंग्स बना ले, तू कोई विंग्स बना ले, मामू कोई सैंडविच या कोई इस तरह की चीज बना लेंगे, तू बर्गर सैंडविच बना ले, ठीक है, ये किया जा सकता है। हाँ भाई कोई क्रिएटिव चीज बनाओ ना, कढ़ाइयां बना के दोनों बैठ गए। फिजा ले आइए क्लब सैंडविच, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यार प्लेट पर प्लेट में लाए ना तो इतना मजे का नहीं लग रहा, लेकिन है ये बड़ा प्यारा। क्यों तू यहाँ पे सोते है? मैंने कहा था मैंने खाया वैसे। ओह अच्छा, नहीं नहीं यार, हम अगर तूने खाया भी है ना, हम फिर भी यू नो खाना खिला देते हैं लोगों को, इतने भी बुरे नहीं है। ये देखे अच्छे बंदे की निशानी। चेक करो सैंडविच, ये क्लब सैंडविच, इसमें फिजा ने डाला है टोमेटोस, पिकल्स डाले हुए, चिकन डाला हुआ, ठीक है, और इसके अंदर डबल ब्रेडिंग और क्या डाला हुआ इसके अंदर, प्यार बहुत सारा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन की टांग, ठीक है, तो ये भी हम साथ खा सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस अभी सैंडविच पे। ओ अंदर अंडा भी डाला फिजा ने, फर्स्ट क्लास अंडे वाला सैंडविच। मजेदार। तो ब्लॉग को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब वली भाई, मैंने वली भाई के भी चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि 4-5 दिनों से मेरी शॉर्ट आउट दे रहा है, 10-15 सब्सक्राइबर ही आते हैं। यार वो असल में ना मैंने लोगों को सही तरह बताया नहीं कि वो नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में लूक रख के बताना चाहिए था। डिस्क्रिप्शन में ना वली भाई का वो चैनल है, वो वहां पे जाके क्लिक करके आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो वली भाई ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इनके भी रील्स का धंधा शुरू हो गया है, और यू कैन फॉलो मी इन टिकटॉक, ठीक है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।